बीटेक पानीपुरी के नाम से मशहूर 21 साल की तापसी उपाध्याय इस वक्त अपने काम की वजह से चर्चा में हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर ठेला लगाकर गोलगप्पे खिला रही हैं। सड़क से गुजरते लोग बीटेक पानीपुरी का नाम देखकर रुक जाते हैं और गोलगप्पे खाने के लिए चल देते हैं। तापसी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने IITM कॉलेज से बीटेक किया है। तापसी के अनुसार पानीपुरी को देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 3 महीने पहले उन्होंने अपने बचपन के दोस्त संदीप कुमार 25 जिन्होंने हाल में अपना MTech पूरा किया है उनके साथ मिलकर दिल्ली के जनकपुरी और उसके आसपास बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से स्टॉल लगाते हैं। तापसी कहती है कि उन्होंने 10-12 लाख रुपए तो 4-5 महीने में कमाकर घर वालों को दे दिए हैं। तापसी कहती है कि मैं निश्चित नहीं थी कि मैं अपने व्यवसाय को पानीपुरी के साथ शुरू करूंगी। वो कहती है कि इसके लिए उन्होंने मार्केट में काफी रिसर्च किया जिससे पता चला कि देश में लोग पानीपुरी को काफी पसंद करते हैं। तापसी का कहना है कि उनके स्टार्टअप शुरू करने का उद्देश्य है कि लोगों को सस्ती कीमत पर अच्छा स्वस्थ हेल्दी फूड उपलब्ध कराना। वो कहती है कि पानीपुरी बनाने में वो एयर फ्रायर का इस्तेमाल करती है। इस व्यवसाय से पहले उनका बेंगलुरु में उत्तर भारतीय भोजन प्रदान करने वाला अपना रेस्तरा था जब वह शहर के सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्रा थी। कोविड महामारी के बाद उसे बंद करना पड़ा। तापसी पश्चिम दिल्ली में 4 स्टॉल लगाती, टीम में 20 लोग शामिल। तापसी कहती है कि मुझे पढ़ाई का शौक है, यही वजह है कि मेरे पास इतिहास में स्नातक होने के बावजूद मैंने कंप्यूटर साइंस लेने का फैसला किया। मुझे अपने परिवार और दोस्तों से बहुत समर्थन मिला। अभी तापसी 20 अन्य लोगों के साथ पश्चिमी दिल्ली में 4 स्टॉल लगाती है। उनमें किसी की उम्र 25 साल से अधिक नहीं है। तापसी की टीम में 17 साल की खुशी भी शामिल। उपाध्याय की सफलता के पीछे कई लोगों में 17 वर्षीय खुशी गुप्ता भी शामिल हैं, जो उनके तिलक नगर स्टॉल पर काम करती हैं। खुशी कहती है कि मैं अपने कॉलेज की फीस खुद से देने के लिए मेहनत करती हूँ। खुशी अशोक नगर के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा है। खुशी के पिता अशोक नगर में सिलाई का काम करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं जिसमें खुशी सबसे बड़ी है। उसकी माँ एक गृहिणी है। खुशी बताती है कि मैं हर महीने 10,000 रुपये कमा लेती है। उसका सपना अपना ब्यूटी पार्लर खोलने का है।